हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की मई 22 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट विल बी फॉर बोथ द ग्रुप, जो स्टूडेंट्स अपना बोथ द ग्रुप दे रहे हैं इस अटेम्प्ट में, और सेकेंड पार्ट विल बी फॉर फर्स्ट, मतलब जो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप दोनों में से कोई एक ग्रुप दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अंकुश शेडिमार, AR5 सी इंटरमीडिएट, NAR 32 सी ए फाउंडेशन। तो अगर ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन है उस सीरीज का जो मैंने पहले भी लाया था मई 22 स्ट्रेटजीज के लिए, उसमें मैंने एक कॉमन वीडियो है जिसमें मैंने एक कॉमन पॉइंटर्स कंक्लूड किए हैं जो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो के आगे ही कंटिन्यू में वो पॉइंट्स मैं बताऊंगा। तो वो पॉइंट्स जो मैंने उसमें बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं वापस यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाके देखे, वो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, और मैं मतलब आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो लास्ट में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सेकंड ग्रुप स्टूडेंट्स, जो बोथ ग्रुप्स देने वाले हैं उनके लिए। तो सबसे पहला तो आपको अगर आपने अभी तक क्लासेस कंप्लीट नहीं करी है तो क्लासेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपके पास रिवीजन करने का बहुत कम समय बचा है। क्लासेस आर अ सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग इज योर सेल्फ स्टडी, योर रिवीजन एंड योर मॉक टेस्ट। तो क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं करी, अगर आपको लगता है कि मेरी सिर्फ थोड़ी सी क्लासेस बाकी है तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन अगर आप मैक्सिमम 5-6 दिन में खत्म कर सकते तो प्लीज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लासेस अभी तक अगर आप क्लासेस करें तो आप रिवीजन से बहुत दूर हो जाएंगे। और अगर आपने, गुड न्यूज इज, अगर आपने क्लासेस कर ली है तो आपके लिए बोथ ग्रुप्स अभी भी क्लियर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने क्लासेस अभी खत्म किए, रिसेंटली खत्म किए तो। सो उसका क्या प्लान रहेगा, सबसे पहले आपका रिवीजन पैटर्न हम बात कर लेते हैं। आपके पास अराउंड अभी 70 डेज बचे आपकी एग्जाम्स के लिए, जो बहुत कम है बोथ ग्रुप के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें रिवीजन करना चाहे तो आप एटलीस्ट 2 रिवीजन तो कर ही सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद गिविंग 6 डेज पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को आप 6-6 दिन दीजिए, एंड देन गिविंग 2 डेज पर सब्जेक्ट, फिर हर सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन दीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको 3 दिन दीजिए, लेकिन ट्राई टू कवर एटलीस्ट 60-70% सिलेबस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 6 दिन में पूरा 100% ही कवर करना है, आप 60-70% करिए, लेकिन उसको ऐसे करिए कि आपको 60-70% एकदम अच्छे से याद हो जाए। तो 60-70% करिए, उसको रिवाइज करते जाइए। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या आता है, मॉक टेस्ट। आप जो भी, जैसे सपोज आपने 6 दिन आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसका 6th डे आप उसका एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, फिर 6 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर 6th डे उसका मॉक टेस्ट दे दीजिए। ऐसे करके आपका एक मॉक टेस्ट सीरीज ये हो जाएगी, और दूसरा आपका आप 2-2 दिन करके भी हर जो आप दूसरी मॉक दूसरी रिवीजन सीरीज करेंगे उसमें आप 2-2 दिन करके एक एक मॉक टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, यू विल गेट टू नो कि आपको पहले एमसीक्यूज करना चाहिए, पहले डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, कब एमसीक्यू करना चाहिए, कब डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए। सो ऑल दैट थिंग विच मैटर्स विच विल हेल्प इज इन योर मॉक टेस्ट। और आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लेनी है, दैट्स योर टेक, कि आपको मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मॉक टेस्ट के लिए मिल जाएंगी, तो आप वहां से मॉक टेस्ट ले सकते हैं। देन उसके बाद आती है आपको, आप अगर आप सपोज कि आपने क्लासेस, आप सोचो कि मैं क्लासेस खत्म करके रिवीजन चालू करूंगा, तो आपको फिर ये रिवीजन वाले दिन जो है वो घटाने पड़ेंगे, लाइक 5 या 4 दिन में फिर आपको अपना हर एक सब्जेक्ट जो है खत्म करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए, जैसे टैक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, फिर FMEco हो गया, इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप 5-6 पहले रिवीजन के लिए सिर्फ 5-6 दिन दे। तो आप जितना जल्दी हो सके क्लासेस खत्म कीजिए, क्लासेस को मैं बोलता हूँ ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर आपकी सिर्फ कुछ ही क्लासेस बाकी है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी, मैं हमेशा ये लाइन रिपीट करता हूँ कि इट इज बेटर टू डू 60% सिलेबस 2 टाइम्स देन टू डू 100% सिलेबस 1 टाइम। तो आप ये इंश्योर करें कि आप जितना भी सिलेबस कर रहे हैं उतना सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि मान लो कि अगर आपने वो सिलेबस भले आपने 100% पढ़ लिया लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपने 60% किया और उसको रिवाइज किया तो आप वो एग्जाम में 60 का एटलीस्ट 50% तो लिख ही पाएंगे। सो दैट्स अ थॉट बिहाइंड इट। फिर उसके बाद आती है क्या बोलते हैं, आपने जो भी मॉक टेस्ट लिखी है उसको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, या जो जहां से भी आप बाय करें मॉक टेस्ट वहां वो आपको खुद भी एनालिसिस करके दे सकते हैं, और वो मिस्टेक्स आप कहीं पेन पेपर पे उतार लीजिए, मतलब कोई पेपर पे उतार लीजिए कि मैंने ये सब्जेक्ट में
स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में नहीं, जनरल मिस्टेक, जैसे ये कैलकुलेशन मिस्टेक में ऐसा क्वेश्चन आता है या ऐसी कैलकुलेशन आती है तो मैं जनरली यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ जो मुझे एग्जाम के टाइम नहीं करनी है। तो इससे क्या होगा, आप वो जैसे ही आप एग्जाम में हॉल में घुस रहे होंगे उससे एक मिनट पहले अगर वो आप पेपर देख लोगे तो आपको फ्रेश मेमोरी में रहेगा और आपको याद रहेगा कि मैं ये मिस्टेक जनरली इस सब्जेक्ट में करता हूँ और वो मिस्टेक मुझे नहीं करनी है इस आईसीए के एग्जाम में। सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। अब हम स्किप करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू गिव वन ग्रुप सिंगल ग्रुप, बोले ग्रुप वन हो या ग्रुप टू। अब हमारी सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बारी आती है, तो उसमें क्या होता है, कोई कोई बहुत स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम अभी एक ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो क्या हम अभी प्रिपेयर करके एग्जाम देके पास हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने क्लासेस नहीं लिए। तो मैं प्योरली स्टार्ट मतलब फ्रेश स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप क्लासेस भी लेंगे, रिविजन भी करेंगे, याद भी करेंगे। तो अभी आपके पास लगभग 70 या 80 डेज है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वैसे मुश्किल तो है लेकिन हो भी सकता है अगर आप क्लासेस बहुत जल्दी खत्म कर देते, लेकिन दैट्स अ काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर मैं बोल सकूँ तो। शायद ये बहुत बहुत मुश्किल अगर आप अभी ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो आप क्या कीजिए, या तो फिर आप ट्राई फॉर बोथ द ग्रुप्स नवंबर 22 में, या फिर आपका सिंगल ग्रुप भी बचा है तो आपने ऑब्वियसली या तो पहले क्लासेस स्टार्ट कर रखी होंगी मेरे ख्याल से, अगर आपने नहीं की है सो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए मई 22 में क्लियर करना। दूसरी बात, मतलब मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, दैट्स अ फैक्ट, मतलब बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि यार मैं फेल कैसे हो सकता हूँ एंड हाउ कैन आई, मतलब ये चीज़ें गलत कैसे हो सकती है। वो लोग आते हैं जिनकी क्लासेस अभी चल रही है, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि क्लासेस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लासेस के बाद आपका मेन टाइम जो आता है वो सेल्फ स्टडी का आता है, रिविजन का आता है, मॉक टेस्ट का आता है। क्लासेस इज अ सेकेंडरी थिंग, मॉक टेस्ट, सेल्फ स्टडी एंड रिविजन आर द प्राइमरी थिंग टू पास योर एग्जाम्स। तो क्लासेस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, उसको जल्दी से जल्दी निपटाइए। तीसरा आता है आपका रिवीजन पैटर्न का, अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक क्लासेस खत्म कर लिए सिंगल ग्रुप के, जो भी ग्रुप वो देना चाहते हैं, तो अगर आपने क्लासेस खत्म कर लिए तो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन स्टडी, मतलब दिस इज द बेस्ट लेवल वेयर यू कैन बी राइट नाउ। अगर आप क्लासेस खत्म कर लेते तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अब 10 दिन देने हैं पर सब्जेक्ट, इट मेक्स अराउंड 40 डेज, देन आप 5-5 दिन देके दूसरा रिविजन खत्म कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, और फिर आप 2-2 दिन देके हर एक सब्जेक्ट के लिए तीसरा रिविजन खत्म कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर टू गिव MTPs, मतलब आप MTP देना शुरू कर दीजिए, हर एक रिविजन के बाद आपको एक MTP जरूर देनी है, ताकि आपको पता चले कि आपके मिस्टेक्स कहाँ पे है, वेयर आर यू लैकिंग, कौन सा क्वेश्चन पहले चालू करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में चालू करना है, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में पता चलेगी, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, कम से कम तीन मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए अगर आपके क्लासेस खत्म हो गए तो। एंड रिविजन मेरे ख्याल से आप 10, 5 और 2 के गैप में करेंगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। फिर उसमें बात आती है कि अगर आपके क्लासेस खत्म नहीं हो रहे हैं और अगर आप अपना टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं, रिवीजन कम करना चाहते हैं, तो आप रिवीजन डेज को कम कर दीजिए, 10 से मे बी 7 या 8 कर दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से आपको क्लासेस जितना जल्दी उसे खत्म करनी चाहिए, ताकि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएं, क्योंकि रिवीजन इज द अल्टीमेट की जितना मतलब लाइक व्हाट आई से इज इट इज बेटर टू डू 60% सिलेबस 2 times देन टू डू 100% सिलेबस 1 time, क्योंकि 100% सिलेबस को अगर आप एक बार करोगे तो आप एग्जाम में मुश्किल से 20% लिख पाओगे, लेकिन अगर आप 60% सिलेबस को दो टाइम करोगे तो आप एटलीस्ट 40% तो लिख ही पाओगे। सो दैट्स आइडिया बिहाइंड इट। सो मेरे ख्याल से सिंगल ग्रुप के लिए मेरे पास यही गाइडेंस थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला जिसमें मैंने कॉमन पॉइंट्स बताए हैं इंटर, फाइनल और फाउंडेशन के लिए, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।